हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि आखिर में अब जो इतिहास है, तो अभी से तो हमें पढ़ना नहीं है, 20 लाख साल पहले से आप पढ़िएगा जब आदि मानव आ गए थे तब से। तो अब इतिहास को पता करने का सोर्स क्या होता है ये आपको बताना, क्योंकि इतिहासकार जो है वो तो उस टाइम में गए नहीं होंगे देखने के लिए, तो वही हमें देखना है कि इतिहास हमें कैसे पता चलती है, तो वही स्रोत क्या है इसको ये मैं बताऊंगा इतिहास जानने का। क्योंकि अब समझिए, जैसे कि कोई इंसान है तो वो तो 1000 साल पहले भी नहीं जा सकता, 1000 साल पहले का भी इतिहास उसे पता नहीं चल सकता, तो इतिहास जानने का भी बहुत सारा स्रोत है, वही मैं बताऊंगा। तो अब इतिहास कैसे जान सकते हैं, एक तो आपको पहले की लिखी हुई उस टाइम की बुक मिल जाए, तो बुक आप पढ़ के पता चल जाएगा कि ये चीजें थी, इससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा होता है कि कुछ वस्तु मिलता है, वस्तु मिलता है तो जैसे मान लीजिए कि कोई मूर्ति मिल जाए, कोई मंदिर मिल जाए, तो उसको भी फिर इतिहासकार देख के उसमें अपने अनुसार प्रिडिक्शन करते हैं कि अब मंदिर है तो उसको इसमें पूजा की जाती होगी, और टाइम पीरियड का भी पता लगाया जाता है। और फिर विदेशी यात्रियों से भी मिल सकता है, क्योंकि विदेशी यात्री भी बहुत से आए हैं एंशेंट इंडिया में, चाहे हमेशा से विदेशी यात्री आते रहे हैं, तो उन्होंने भी इतिहास को लिखा है, तो अब उनके भी बुक से हमें पता चलती है इतिहास के बारे में। तो ये तीन सोर्स होते हैं, एक तो साहित्य सोर्स होते हैं, और एक होता है विदेशियों का ब्यौरा, और तीसरा होता है पुरातात्विक सहायक, मतलब जो वस्तुएं मिलती है खुदाई में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई होती है तो ईंट मिलती है, उसमें आप देखिएगा कि जल वेदिका मिलेगी, बहुत सारी चीज़ मिलेगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें मिलती हैं तो उससे इतिहासकार पता करते हैं, तो वही चीज़ें अब पता करने का सोर्स हमें देखना है कि इतिहास को आखिर में कैसे पता किया जाए। और थोड़ा सा मैं आपको टाइम के बारे में बता दूँ कि आखिर में इतिहास का टाइम का कैसे करते हैं, कि ये 2000 साल पहले की चीज़ है और ये 1000 साल पहले की चीज़ है और ये 5000 साल पहले की चीज़ है, तो वो ऐसे पता चलती है जब खुदाई होती है। तो ये मान लीजिए कि खुदाई शुरू होना हो गई, तो अब जो ऊपर मिलेगा उसको न्यू माना जाता है, वो नया टाइम की वस्तुएं होती है, इस तरह से इसका पता लगाया जाता है। और फिर जो इसके नीचे होगा वो उससे पुराना होगा, फिर उससे जो नीचे होगा वो पुराना होगा, उससे नीचे होगा वो पुराना होगा, उससे नीचे होगा वो पुराना होगा, उससे नीचे होगा वो पुराना होगा, तो ऐसे सीक्वेंस में चलता है। तो मान लीजिए ये 100 साल का होगा, तो ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 साल पुराना होगा, ऐसे मतलब इतिहासकार वस्तुओं को देखते हैं कि कौन कितना पुराना है इसमें। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे पता लगाया जाता है कि एज क्या है किसी वस्तु की जो मिली है इतिहास। और ये सोर्स में अब हम देख लेते हैं कि सोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे इतिहास के बारे में पता चलती है। तो पहला है साहित्य सोर्स। साहित्य सोर्स मतलब क्या समझते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य होता है और दूसरा होता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ है, और ये है धार्मिक साहित्य, इसमें मतलब धर्म के बारे में बताया गया, लेकिन धर्म के बारे में बताया गया तो इतिहास में वो सब चीजें भी उस टाइम के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति सबके बारे में होता ही है, तो वो हमें फिर उससे भी पता चल जाती है धार्मिक साहित्य से। ब्राह्मण साहित्य होते हैं धार्मिक साहित्य में पढ़ और ब्राह्मणोत्तर साहित्य होते हैं जो कि बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ हैं, इनसे भी हमें बहुत ज़्यादा इतिहास के बारे में पता चलती है, तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं ये समझिएगा आप। और दूसरा ब्राह्मण जो साहित्य है, इसमें आप वेद के बारे में देखेंगे, तो वेद ज्ञान मतलब वेद आपको वैदिक काल में बताऊंगा, तो उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आएगा, तो वो आपको पता चलेंगे कुछ देर बाद जब हम कुछ लेक्चर को देख लेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा। उपनिषद के बारे में भी बताऊंगा, आरण्य, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, इन सब से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म के भी साहित्य हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के भी ग्रंथ हैं, तो इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा है लौकिक साहित्य, जिसे ऐतिहासिक ग्रंथ बोलते हैं, किसी का जीवनी ग्रंथ है, जैसे बुद्ध के बारे में ही जीवनी में उनके लिखा गया है, गल्प साहित्य ग्रंथ है, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि जीवनी के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवनी के बारे में लिखा गया है, तो उससे भी हमें उस टाइम के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था, जो भी चीज़ें चलती हैं, तो बुक जब लिखी जाती है तो जो लेखक होगा तो वो आसपास की चीज़ों को देख के ही लिखता है, उस टाइम जैसी सामाजिक व्यवस्था रहती है वही चीज़ें बुक में लिख दी जाती है, तो इससे हमें पता चलती है। ये साहित्यिक साक्ष्य है जिससे हमें इतिहास के बारे में अपने पता चलती है, तो इससे हम फिर इतिहासकार क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनको मिलती है वो क्लासिफिकेशन करते हैं और अपने इतिहास के बुक में उसको जोड़ते हैं, तो उस तरह से इतिहास का पता चलता है। और फिर दूसरा होता है कि विदेशी यात्री से भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलती है, तो ये सब जितने भी बुक मैंने बताया, वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये आगे भी आएंगे, एक भी चीजें छूटेगी नहीं, तो उसका आप लोग टेंशन ना ले। तो विदेशी यात्री में देखिए, तो विदेशी यात्री में तीन, उस टाइम विदेशी यात्री मतलब आए हैं तीन एरिया से, तो यूनानी रोमन लेखक आए हैं जो कि मध्य एशिया से आए हैं, चीनी यात्री आए हैं तो चीनी यात्री के, और अरबी यात्री वो भी मध्य एशिया से आए हैं जो कि आज सऊदी अरब यहाँ पे है, ईरान, इराक, उसके तर्क से ये अरबी यात्री आए हैं, तो इन्होंने भी इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो वही हमें देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं यूनानी जो लेखक आए हैं उनसे भी, वो भी मतलब हमारे देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं भारत के बारे में, तो उससे भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पहला है इसमें टेसियस आते हैं और ये ईरानी यात्री आते हैं,
और ये मतलब ये टेसियस जो है ये इतना मतलब कि अविश्वसनीय इतिहास को लिखा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसमें विश्वास किया नहीं जा सकता। इस वजह से टेसियस के इतिहास पे लिखा हुआ जो चीजें हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरा है हेरोडोटस, और इनको इतिहास का पिता भी बोला जाता है, और इसने फिर अपनी जो पुस्तक है इनकी हिस्टोरी का, इसके इसमें जितने भी भारत फारस संबंध है उनके बारे में लिखा है इन्होंने, भारत फारस संबंध के बारे में। फारस वही जो ईरान वाला इलाका है उसी को फारस बोलते थे पहले, तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखा है इन्होंने हेरोडोटस ने, और इनको इतिहास का ही पिता कहा जाता है। इतिहास के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। और सिकंदर के साथ जब सिकंदर का आक्रमण होता है, आप देखेंगे कि मगध पे नंद वंश का शासन रहेगा, तभी सिकंदर भी पूरे विश्व विजय का अभियान लेके चलता है, और उस टाइम उसके साथ बहुत सारे विद्वान और लेखक भी आते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा इतिहास लिखा। क्योंकि आप देखेंगे कि सिंध वाला इलाका तो जीत ही चुका था सिकंदर, और फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो रहता है उसका सेनापति, वो फिर जीतने का कोशिश करेगा आगे वाले इलाकों को, लेकिन उसके बाद जब नंद वंश समाप्त हो गया रहता है और मौर्य वंश आया रहता है, मौर्य वंश में उस टाइम शासन रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का, उस टाइम हार जाता है सिकंदर का जो सेनापति रहता है, तो वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। और इसके साथ निडियाकस, ऑन्टियोकस एवं ऑस्ट्रिबुलस, ये कुछ लेखक आते हैं जो विद्वान भी होते हैं, इन्होंने भी बहुत सारा इतिहास के बारे में लिखा है भारत के, तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में अपनी पता चलती है, तो वो मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा। और फिर आते हैं मेगास्थनीज भी, ये भी यूनानी रोमन लेखक हैं, और ये सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति रहता है उसके साथ ये लेखक आते हैं मेगास्थनीज, इन्होंने भी बहुत सारा इतिहास लिखा है। और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच वैवाहिक संबंध होगा, वो अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, तो फिर ये जो मेगास्थनीज लेखक रहता है तो उनके दरबार में ही रुक जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के, और उससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय के बारे में बहुत सारी इतिहास के बारे में चीजें पता चलती हैं इससे। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। और अगला देखिएगा लेखक, तो ये भी यूनानी रोमन लेखक है, ये है डाइमेकस, और इससे बिंदुसार के बारे में हमें पता चलती है, बिंदुसार के इतिहास के बारे में। सीरियन नरेश ऑन्टियोकस का राजदूत रहता है, और बिंदुसार के राज दरबार में ये आया था, और इससे भी हमें मौर्य काल के बारे में पता चलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार रहता है, तो इसके बारे में हमें पता चलती है। फिर जो अगला यात्री आता है डाइनोसियस रहता है, ये अशोक के शासनकाल में रहता है। मिस्र नरेश जो टॉलमी रहता है उसी का राजदूत रहता है, ये अशोक के दरबार में आया रहता है, तो उस टाइम मतलब समझिए यूनान से अच्छा खासा हमारा रिलेशन था, तो यात्री आते रहते थे, जिसके भी राज्य में आते थे कुछ दिन रहते थे, वहाँ के इतिहास के बारे में लिखना, जो भी चीजें देखना वो लिखना, फिर उसका बुक हमें वहाँ मिला, इतिहासकार वहाँ से संपर्क किए। अब जैसे वेद है, तो वेद में भी बहुत सारा अगल बगल का जो चीजें हैं उसमें लिखी गई हैं, तो अब जो अगल बगल का मतलब हमारे बगल का जो ईरान है, तो वो इतिहास को अपना जानने, तो वो वेदों में देख के अपने इतिहास को जान सकता है, क्योंकि वेदों में भी ईरान के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था ये भी चीजें वेदों में लिखी गई। और फिर अगला जो यात्री रहता है ये टॉलमी रहता है, और इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था इसने, तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला जो यूनानी या यात्री रोमन यूनानी यात्री देखेंगे तो ये प्लिनी रहता है, और इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, इससे जो है कि भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिजों इन सब के बारे में विवरण मिलता है हमें, तो ये अपने यूनानी रोमन लेखक देख लिया, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम चीनी यात्री के बारे में देख लेते हैं, तो पहला है फायान आता है, यनसांग आता है, हेनसांग आता है, सुंगयुंग आता है, और इत्सिंग आता है, तो ये चार यात्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और फायान जो आता है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय आप देखेंगे गुप्त नरेश रहते हैं, तो इनके दरबार में ये आया रहता है, और इससे हमें जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उस टाइम का समाज संस्कृति उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से ये लिखा है। और संयुगन आया है दूसरा यात्री, अब देखेंगे कि चीनी यात्री संयुगन, ये 518 ईस्वी पूर्व में आया रहता है, और ये 3 वर्षों की यात्रा पे यहाँ पे रहता है, और बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षा थी ये ही प्राप्त करने, और आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म उसी टाइम डेवलप हो गया था, बौद्ध धर्म हुआ था तो अब पूरे लेखक आते थे, पूरा मतलब विश्व को क्यूरियोसिटी थी कि जानने की बौद्ध धर्म के बारे में, तो चीनी यात्री जो भी यात्री आता था बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने, बौद्ध धर्म को जानने चीनी यात्री आता था, और फिर ले जाके वहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत फैला है चीन में, अभी भी आप देखेंगे कि वो लोग बौद्ध धर्म का फॉलो करते हैं, तो ये चीजें चलती थी वहाँ पे। और तीसरा जो चीनी यात्री देखेंगे तो हेनसांग रहता है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में रहता है, और ये बिहार में जो
नालंदा विश्वविद्यालय है उसी में शिक्षा ग्रहण करने आया था। और ये एक पुस्तक भी लिखता है, जिस सीयू की पुस्तक का नाम है, जिसमें लगभग 138 देशों का विवरण है। तो आप समझ सकते हैं कितना चीजें ये लिखा होगा। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। गुप्ता जब डिक्लाइन होता है, गुप्ता पीरियड, तो आप देखेंगे कि हर्षवर्धन का शासनकाल आता है। उसमें पुष्यभूति वंश रहता है और हर्षवर्धन उसका मतलब शासक रहता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनके शासनकाल में आता है, बहुत सारी चीजें इसने लिखा है सीयू की पुस्तक में, तो उससे भी हमारे इतिहास के बारे में हमें पता चलती है। और फिर आते हैं अरबी लेखक, तो अरबी लेखक के बारे में भी आपको जाननी चाहिए। अरबी लेखक में आप देखेंगे सुलेमान आता है, इससे भी हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है सुलेमान से। दूसरा आता है इसमें अल मसूदी, अल मसूदी ने बहुत सारी चीजों को लिखा है, तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। और जो तीसरा लेखक है तो ये अल बरूनी है, अल बरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है, और इसने तहकीके हिंद लिखा है और तारीख़े हिंद भी इसने पुस्तक लिखी है, भारत की खोज। इससे हमें इतिहास के बारे में अपने पता चलते हैं, उस टाइम धर्म कैसा था, त्यौहार कैसा मनाया जाता था, विज्ञान के बारे में रीति रिवाज कैसे थी, उस टाइम जो हमारा लॉ था तो वो लॉ सिस्टम कैसा था, जो कि कानून उस टाइम कानून कैसा फॉलो किया जाता, सामाजिक आर्थिक हर एक चीज़ों के बारे में इसने लिखा है। अल मसूदी ने दो बुक लिखा है इसमें, इससे भी हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। और फिर जो अगला लेखक है चौथा, इब्न बतूता आता है, और इसने चीज़ें अपने रहिला पुस्तक में लिखी है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहता है, ये आता है समझिए। और इसने बहुत सारी चीज़ों को लिखी है। फिर रहिला इसकी जो पुस्तक है उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलती है, संस्कृति के बारे में। और मोहम्मद बिन जो तुगलक रहता है, तो तुगलक वंश का जो शासक रहता है, आप दूसरा देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो रहता है इसको अपना काजी भी नियुक्त करता है शासन, तो ये चीज़ें ये करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स था जो से हमें बुक से इतिहास के बारे में पता चलती है। और दूसरी बात है, अब हमें पुरातात्विक साक्ष्य से भी इतिहास के बारे में पता चलती है, तो पुरातात्विक साक्ष्य भी आपको जान लेना चाहिए। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, मतलब समझिए कि जैसे अभिलेख मिल गए, तो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख पत्थरों पे लिखवाए जाते थे, तो उससे भी हमें पता चलती है। जैसे आप आज रोड बनता है, तो रोड बनता है तो आप देखेंगे कि साइड में लिखा होता है रोड के बारे में, किसने बनवाया है, कैसा कैसा चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें होती थी, जो भी काम होती थी तो पहले अभिलेखों पर लिखवा दी जाती थी, तो उससे भी हमें पता चलती है। अब दूसरा बात है कि अभिलेखों से पता चलती है इतिहास के बारे में, उस टाइम अभिलेख हम पढ़ते हैं, तो अशोक का बहुत सारा अभिलेख है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। तीसरी दूसरी है मुद्राएं, तो उस टाइम जो मुद्राएं चलती थी तो वो सोना चांदी तांबा पीतल इन सब की मुद्राएं चलती थी। तो अब वो मनी जब खुदाई होती है तो वो पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो फिर हमें उससे भी इतिहास के बारे में पता चलता है, जो इकोनॉमी सिस्टम थी कैसे वहाँ पे इकोनॉमी फॉलो की जाती थी, बाटल सिस्टम थी या फिर जो पैसे से व्यापार होता था, ये पता चलती है हमें। और मुद्रा पे आप ये भी देखेंगे कि उस टाइम जो भी देवी देवता थे उनका भी चित्र मिलता है, जो शासक होते थे वो भी मिलता है। तो समुद्रगुप्त आप देखेंगे जो गुप्त शासक थे उनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, और इससे इतिहासकार क्या बोलते हैं कि उनको बिना बजाने के बहुत शौकीन थे, तो ये पता चलती है हमें इतिहास से। ये चीज़ें मतलब अभिलेख से हमें पता चलती है, जो पुरातात्विक जो खुदाई होती है उससे पता चलती है। और पुरातात्विक खुदाई में आप देखेंगे स्मारक भवन मिल जाए, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई आज भी चल रही है, पहले भी हुई है, तो उससे हमें उसके इतिहास के बारे में पता चला है। वहाँ पे बहुत सारा घर मिला है, अग्निकुंड मिला है, स्नानागार मिला है, बहुत सारे स्मारक मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, रोड मिले हैं, तो इन सब से हमें भवन जो है उनके बारे में पता चलती है कि ये शहरी नगर था, दुर्ग था, मतलब दुर्ग मतलब आप समझिए कि ये चारों तरफ से घेरा है और यहाँ पे घर है चारों लाइन से, तो ये दुर्ग बोलते हैं इसको, मतलब घेरा हुआ है, घेरा भी गया था, ये सब बाउंड्री के बारे में हमें पता चलती है। तो ये स्मारक भवन कैसे मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य है, ये सब खुदाई होती है तो मिलती है। और अगला है मूर्तियाँ मिल जाए या फिर जो चित्रकला है, तो आप देखेंगे भीमबेटका गुफा जो है उसमें हमें आदि मानव तक के चित्र मिले हैं, तो अब जो चित्र बनाते थे तो चित्र उतना तो खास वो नहीं बना पाया, जैसे कि आप देखेंगे ऐसे उनका चित्र बनाया गया है, ऐसे जो आदमी है ऐसे चित्र बनाया गया, तो उतना खास वो चित्रकारी नहीं, लेकिन हमें पता चलती है ऐसे तीर का मान लेके कोई मार रहा है, जानवर का शिकार कर रहे हैं, उनका चित्र बना दिया, ऐसे चित्र मिले हैं हमें, तो इससे हमें पता चलती है कुछ टाइम शिकारी जीवन वो लोग व्यतीत करते थे। मूर्तियां मिली है बहुत सारी जो गुप्त काल की, आप देखेंगे मूर्ति पूजा उस टाइम शुरू हो गई थी, तो मूर्तियां भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें नर्तकी की जो कहाँ से मूर्ति मिली है, जो कि कमर पे हाथ रखते हुए एक लेडीज़ की मूर्ति मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि वो नर्तकी की कहाँ से मूर्ति मिली है, तो इससे भी हमें पता चलता है। और जो पुरातात्विक साक्ष्य है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। तो ये कुछ सोर्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ये सोर्स है इतिहास को जानने का, तो ये आपने जान लिया सोर्स। ओके गाइज, थैंक यू, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।